हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडी ब्लॉगर देवलीना। मैं देवलीना आपकी दोस्त। उम्मीद रखती हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूं। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी एक प्लेस की ब्लॉग। मैं यस्टरडे एक प्लेस घूमने गई थी और वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। अभी मैं मेरी नेटिव कुचबिहार में हूँ। ये वेस्ट बंगाल का ही एक डिस्ट्रिक्ट है और कुचबिहार की बहुत ही फेमस एक प्लेस है मदन मोहन टेम्पल। ये मदन मोहन टेम्पल महाराजा नृपेंद्र नारायण द्वारा 1885 से 1889 के बीच में निर्माण किए गए थे। इस मंदिर में मदन मोहन, माँ काली, माँ भवानी और माँ तारा गॉड की मूर्ति है। तो चलिए देख लेते हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और छोटा सा जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हम लोग मदन मोहन टेम्पल पहुंच गए हैं। मैं, मेरी बेटी अरिश्मिता और मेरा भाई, ये तीनों ही आए हैं इधर घूमने। शाम के टाइम में आए हैं क्योंकि शाम के टाइम में बहुत सारे लोग इधर आते हैं संध्या आरती देखने के लिए। संध्या आरती अभी हो चुका है कि हम लोग थोड़ा लेट से इधर पहुंचे तो देख नहीं पाए। देख रहे हैं आप कि मदन मोहन टेम्पल के दो साइड में ही बहुत ही अच्छा सा गार्डन है। सुबह के टाइम होता तो फ्लावर वगैरह आपको दिखा पाती, अभी तो रात हो चुका है तो इतना क्लियरली वो पिक्चर नहीं आ रहा है। ऊपर आप देख रहे हैं इस जगह में म्यूजिक बजता है शाम के टाइम में, और ये बहुत ही अच्छा सा गार्डन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है मदन मोहन मंदिर की देवता मदन मोहन ठाकुर। इधर फोटो खींचने माना है, फिर मैं जूम करके आपको थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। ये है माँ काली की मंदिर, आप देख रहे हैं। कोरोना के लिए अभी तो पास जाना मुमकिन नहीं है, मैं बहुत दूर खड़ी हूँ, दूर से ही मैं वीडियो कर रही हूँ तो इतना क्लियर पिक्चर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंदर भी इतना लाइट नहीं है। तो इधर माँ काली की मंदिर भी है, आप चाहे तो इधर आके माँ का पूजा कर सकते हैं। दान पेटी भी है, कुछ दान करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। व्हाइट कलर का ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ये है माँ भवानी मंदिर। अंदर माँ भवानी का अर्जल है, आप इधर आके पूजा कर सकते हैं। आप देख ही रहे कि पुजारी भी बैठा हुआ है और कुछ दान भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको साइड में ये जो छोटा छोटा घर दिख रहा है ये टीन का घर है, और रास पूर्णिमा में जब इधर रास मेला लगता है तब इन घरों को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है। रामायण महाभारत की जो स्टोरी होते हैं, बहुत सारा स्टोरी है, उन स्टोरी को इधर दिखाया जाता है और बच्चे ये बहुत पसंद करते हैं। कभी मैं अगर रास मेला में इधर आऊँगी तो आपके लिए ब्लॉग जरूर बनाऊंगी। इधर एक छोटा सा पॉन्ड भी है, जब रास मेला लगता है तो इसको भी बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है। नॉर्मली ये इस तरह से रहता है, कुछ भी डेकोरेशन इधर नहीं है। मेरी बेटी अरिश्मिता इधर आके बहुत ही खुश है क्योंकि ये खुला सा प्लेस है, उसे घूमने फिरने का जगह मिल रहा है और टेम्पल है। इधर म्यूजिक भी बज रहा है, साइड में छोटे छोटे जो घर है मेरी बेटी को बहुत पसंद है। इधर अंदर में कोई भी कार वगैरह साइकिल वगैरह नहीं है तो बच्चे के लिए सेफ प्लेस है। Thank you.
शाम के टाइम में मदन मोहन टेम्पल में बहुत सारे लोग आते हैं संध्या आरती देखने के लिए आते हैं। आप इधर बैठ के बातें भी कर सकते हैं कुछ टाइम तक। बच्चे खुला प्लेस देख के डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, मज़ा करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो ये प्लेस बहुत ही अच्छा है और कुछ बिहार की एक बहुत ही फेमस प्लेस है ये मदन मोहन टेम्पल। ये है माँ तारा देवी की मंदिर, इधर आकर के आप पूजा कर सकते हैं। हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं, शू लेना है हमें, क्योंकि मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको शू रख के जाना होता है। 2 रुपए का टिकट आपको इधर लेना होता है। ये मेन रोड है और साइड में जो दुकान दिख रहा है ये मिठाई की दुकान है। आप इधर से मिठाई, अगरबत्ती, फूल वगैरह खरीद के मंदिर के अंदर जा सकते हैं। और थोड़ा बहुत खिलौना की दुकान भी इधर बैठता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं, बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं तो ये खरीद के ले जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नए टॉपिक के नए वीडियो में मैं फिर से आऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा और प्लेस आपको कैसा लगा।